मैं आपके साथ शबनम। बीजेपी का एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देती है, और इस कला में भी ये माहिर है कि कब किस तरह का शगुफा छोड़ना है। ठीक ऐसे ही बीजेपी की तरफ से एक नया शगुफा छोड़ा गया है, वो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का। अब बात ऐसी है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा हिट नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि गुजरात मॉडल की भी कैसे पोल खुली। गुजरात के अंदर एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए 25 सीटों पर 15 लाख युवकों ने आवेदन कर दिया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, बहस छिड़ गई। देश में युवाओं की बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है, बात इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित करने का सगुफा छोड़ दिया। अब सभी लोग इस बहस में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है, क्योंकि इस दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। अब एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस का नाम दे दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों में 4 जून 2024 जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा, इस दिन मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उनके सिद्धांत, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अलावा आप सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप और षड्यंत्र बनाकर जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री संविधान के हत्यारे भाजपा का चेहरा छुपाने के लिए 1975 की आड़ लेना चाहते हैं। भाजपा को लोकतंत्र की हत्या को बंद करना पड़ेगा। आजादी की लंबी लड़ाई के बाद देश को संविधान मिला। भारतीय संविधान की आत्म विपक्ष पत्रकार न्यायपालिका है। लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाना प्रमुख बिंदु था। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला बंद करे। भारतीय जनता पार्टी को अपना पेस सेवर ढूंढने की बजाय तानाशाही को खत्म करना चाहिए। तो इस तरह से मोदी सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। वैसे केंद्र सरकार द्वारा जो भी ऐलान किया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों से देश की जनता को भटकाने का एक स्टंट है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।